अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरे प्यारे व्यूअर्स? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, ये है मेरी बेटी साहिबा और ये जलवे। इसके आगे आगे देखिए होता है क्या। एक क्लिपिंग स्पेशल मैंने आपके लिए बनाई कि आपको बताऊं कि नए कपड़े पहन के कितनी एक्साइटेड है। तारसी गोभी आज हम बना रहे हैं। गोभी होता है सुबह उठ के पहले किचन को सलाम होता है, उसके बाद बाकी काम होते हैं। तो नाश्ता तो बन चुका और अब लंच के लिए गोभी बनानी है हमने। एक मज़ेदार सी गोभी ब्लेंडर में मैं डाल चुकी हूँ। टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन और थोड़ा सा पानी, हरी मिर्चें ताकि फ्लेवर अच्छा आए, क्योंकि जो दूसरी मिर्चें होती हैं रेड चिलीज़ उनका भी फ्लेवर होता है, लेकिन जो ग्रीन चिलीज़ का फ्लेवर होता है उसकी तो बात ही और है और ज़बरदस्त होता है। और अब जी हम करेंगे ब्लेंडर बंद और ये जी बन गया हमारा पेस्ट। पेस्ट बन चुका है और अब इसको हमने फ्राई करना है अच्छे से। तो घर के काम तो कभी ख़त्म होते नहीं। अब देखें जी, ग्रेवी थोड़ा सा टाइम और है इसके बनने में, और सुबह उठने के बाद वैसे यही होता है कि घर के काम निपटाओ, कुकिंग करो, फिर बाकी चीज़ें देखो, और यही लाइफ ऐसे चलती है। अच्छा, मसाला तो भून गया है, लेकिन गोभी अब इसकी भून रही हो ना कि ये ज़रा क्रिस्पी रहे, क्योंकि अमूमन बनने के बाद इसका कीमा बन जाता है। तो कीमा हमें नहीं बनाना है, इसको थोड़ा सा हमने साबत रखना है, ठीक है जी। तो अभी मसाला भून जाए तो बाकी प्रोसीजर फिर करते हैं। ये देखिए जी, भूनते भूनते बड़ी अच्छी शक्ल आ गई इसकी। बस मेहनत चाहिए हर एक काम के लिए, क्योंकि मेहनत का फल तो मिलता ही है। इट लुक्स गुड। और जनाब, इसमें अब जाने वाला है मसाला और मज़ेदार सी रेसिपी बनेगी। अब देखते हैं जी, पहले इसमें गया नमक, और क्योंकि नमक तो हर चीज़ में होना चाहिए, विदाउट सॉल्ट तो समझे कुछ भी नहीं। जितनी भी टेस्टी डिश हो, नमक नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। ये फिर हम डाल रहे हैं रेड पेपर, जिसे बोलते हैं सुरख मिर्च, ठीक है जी। और अब जी जाएगी इसमें अ पिंच हल्दी, ठीक है, क्योंकि हमने ज़बरदस्ती गोभी बनानी है। और अब मुझे नहीं पता आप लोग कैसे बनाते हो, लेकिन मेरा तो स्टाइल बनाने का यही है। और ये हमने डाला था इसमें गरम मसाला, और जी ये अब जा रहा है इसमें ज़ीरा। ज़ीरे के बड़े फ़वायदे हैं, ये मैदे के लिए, पेट के लिए, बहुत के लिए, इसके अलावा स्मार्टनेस का राज भी इसी में है। इसलिए कोशिश किया करें आप अपनी हांडियों में यूज़ किया करें। और एंड में इसमें जाएगा धनिया, सूखा धनिया, ठीक है। तो अब इस सबको हमने करना है मिक्स, बिल्कुल ऐसे एक जान दो काले पर। और जी ये देखते हैं, अब स्लोली एंड स्टेडी ये बनेगा। हम इसको हल्की आंच पे रख देंगे। और जनाब, गोभी ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब इस हद तक लाना है इसको जितना हमें चाहिए पानी इसके अंदर, ठीक है। और देखें जी, क्या प्यारी सी शक्ल आ रही है। उम्मीद करती हूँ आपको भी अच्छी लग रही होगी, और मैं फिर मेरा बस नहीं चलता आप लोगों को बुलाऊं। और देखिए जी, क्या खूबसूरत सी शक्ल आ गई और डन हो गई हमारी। और जनाब, ये हैं हमारे घर की रौनक माइलों के बाद। इनके साथ हम अच्छा टाइम गुजारते हैं,
और इनकी शरारतें देखते हैं, बातें सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है, ज़बरदस्त। एक दफ़ा मैंने क्या किया कि गूगल ऐप खोली और मैं इनकी बोली सुनना चाह रही थी कि ये बोलते क्या हैं आप इसमें, लेकिन मजाल है कि मुझे कुछ समझ आई हो, क्योंकि मोबाइल जो ही ले गई इनके पास तो खामोश हो गए। तो अभी भी पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग, इनकी यही रौनक है। ये देखते जाएं जी, लव बर्ड्स को देखते जाएं, कुछ गपशप चल रही है इनकी आपस में। फिर हाजिर होंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ।